अंगद बेदी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। पिंक फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को इंप्रेस किया। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में अच्छी फिल्में मिलने लगी। विडियर जिंदगी, द जॉय फैक्टर, टाइगर जिंदा है, सूरमा और गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में नजर आए। एक्टर ने नेहा धूपिया संग शादी भी रचाई, मगर एक्टर के जीवन के कई सारे पहलू अभी ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को कम ही पता होगा। अंगद बेदी के जन्मदिन पर आइए जानते हैं एक्टर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। अंगद बेदी का जन्म 6 फरवरी 1983 को दिल्ली में हुआ था। वे पूर्व भारतीय कप्तान बिशंग सिंह के बेटे हैं। पहले अंगद बेदी क्रिकेटर भी थे, वे रणजी ट्रॉफी का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा वे अंडर 19 क्रिकेटर टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे काबिल क्रिकेटर थे। मगर अंगद ने क्रिकेट को नहीं बल्कि एक्टिंग को अपना करियर चुना। उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और साल 2004 में काया करुण नाम की हिंदी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। बता दें कि बहुत फिल्मी रही नेहा धूपिया और अंगद की लव स्टोरी। अंगद जब 20 साल के थे तब उन्होंने पहली बार नेहा को एक जिम में देखा था। उन्होंने उस दौरान अपने दोस्तों से कहा था कि एक दिन मैं इस लड़की से जरूर मिलूंगा। बाद में जब दोनों बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। नेहा उनकी पर्सनैलिटी से काफी इंप्रेस हुई थी। ये तब की बात है जब नेहा और अंगद महज एक अच्छे दोस्त थे। उस समय नेहा किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में थी, मगर उन्हें अंगद के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता था। दोनों की दोस्ती गहरी थी। नेहा पंजाब में शूटिंग कर रही थी, इस दौरान उन्होंने अंगद को भी बुलाया। शूटिंग खत्म होने के बाद अंगद उन्हें ड्रॉप करने के लिए घर तक गए। उन्होंने अचानक नेहा के घर वालों के सामने नेहा का हाथ मांग लिया। नेहा धूपिया एकदम शॉक रह गई क्योंकि वे पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। बता दें कि इस कपल ने साल 2018 में शादी कर सभी को चौंका दिया। ये शादी खूब चर्चा में रही। इस शादी से कपल को 2 साल की एक बेटी भी है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।